नमस्कार, G3 में आपका स्वागत है। मैं हूं रवीश। G3 में आज बात करेंगे मोटो के नए अवतार मोटो जी टर्बो की, जिसे हाल ही में भारतीय बाजार में लॉन्च किया गया है। बात करेंगे माइक्रोसॉफ्ट लूमिया 550 की, जिसे जल्द इंडिया में लॉन्च करने की तैयारी की जा रही है। माइक्रोसॉफ्ट लूमिया 550 एक बजट फोन है, और भी कई बजट फोन हैं जिनके बारे में आज हम आपको डिटेल से बताएंगे और आपको कराएंगे शेवरोले ट्रेल ब्रेजर की टेस्ट ड्राइव। लेकिन सबसे पहले हेडलाइंस। मोटोरोला ने हाल ही में कई फोन्स भारत के बाजार में पेश किए हैं, और अपना वादा निभाते हुए मोटोरोला ने गुरुवार को भारत में मोटो जी टर्बो एडिशन स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया। कयास लगाए जा रहे हैं कि कंपनी मोटो जी टर्बो एडिशन से मोटो जी जेन 3 और मोटो एक्स प्ले के बीच के हैंडसेट के तौर पर बाजार में जगह बनाने की कोशिश करेगी। आइए जानते हैं क्या है इस फोन में खास। स्मार्टफोन में बैटरी को लेकर हमें शिकायतें आती रहती हैं, और अमूमन हमें या तो पावर बैंक का सहारा लेना पड़ता है या फिर फोन बंद हो जाता है। लेकिन यकीन मानिए, अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आ गया है एक ऐसा फोन जिसकी बैटरी आम फोन के मुकाबले 3 गुना ज्यादा होगी। चीन की स्मार्टफोन कंपनी ओकिटेल ने नया स्मार्टफोन पेश किया है, जो कि 10,000 mAh की बैटरी से लैस है। आइए देखते हैं क्या है इस फोन में खास। बैटरी बैकअप को लेकर फोन हमें कई तरीके के शक। शेवरोले ट्रेल ब्रेजर, जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया था, ये एक एसयूवी सेगमेंट की कार है जिसका सीधा मुकाबला होगा टोयोटा की फॉर्च्यूनर के साथ। आइए चलते हमारे सहयोगी आमिर के पास, जो ले रहे हैं इस गाड़ी की टेस्ट ड्राइव, इसके बारे में बता रहे हैं।